बढ़ेंगे आगे। भारत की फटकार के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गिड़गिड़ाते हुए अपने बयान से मुकर गए। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निजर की हत्या के संबंध में भारत को ठोस सबूत नहीं दिए हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। भारत को लेकर अक्सर अनर्गल, बेतुके, बेबुनियाद बयान देने वाले जस्टिन ट्रूडो की हेकड़ी फिर निकल गई। जस्टिन ट्रूडो के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब तक भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रूडो आखिरकार घुटनों के बल आ ही गए। अपने झूठ को सच साबित करने की चाल खुद पर भारी पड़ गई। भारत की फटकार के बाद ट्रूडो ने सच को कबूल लिया और उन्होंने कहा कि फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन में ट्रूडो ने कबूला सच। मामला उठाते वक्त भारत के खिलाफ साक्ष्य नहीं थे, भारत को कोई सबूत नहीं दिए, सिर्फ जानकारी साझा की। निज्जर केस में कनाडा के पास नहीं थे कोई पुख्ता सबूत। दरअसल आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में जांच को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि खालिस्तानी निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंटों का हाथ है, जिस पर भारत ने कड़ा एतराज जताया था। और अब कनाडाई पीएम अपनी बातों से पलटे तो भारत ने सख्त पलटवार भी किया। कनाडा को लेकर हमारे पक्ष की पुष्टि हुई, कनाडा ने भारत को कोई सबूत नहीं दिए, भारतीय राजनयिकों पर आरोपों के सबूत नहीं थे। भारत कनाडा के रिश्तों में खटास की वजह सिर्फ ट्रूडो है, ट्रूडो की खुली पोल, माना भारत को नहीं दिए कोई सबूत। कनाडा के भारतीय राजनयिकों पर आरोप बेबुनियाद हैं। ट्रूडो अपनी बातों से मुखरने और पलटने में माहिर हैं। ऐसा पहली बार नहीं है बल्कि कई बार ऐसी हिमाकत कर चुके हैं। कभी किसान आंदोलन की चिंता जताई, कभी खालिस्तानी आतंकियों की पैरवी की, कभी निज्जर की हत्या में बेबुनियाद आरोप लगाने वाले जस्टिन ट्रूडो का इंटरनेशनल पर्दाफाश एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ है। जस्टिन ट्रूडो ने जब जब भारत के खिलाफ मुंह खोला तब तब मुंह की खानी पड़ी। और इस नए विवाद की वजह भी आतंकी निज्जर है, जिसकी वजह से ट्रूडो परेशान हुए। 13 अक्टूबर उच्चायुक्त समेत 6 डिप्लोमेट्स को संदिग्ध बताया। 14 अक्टूबर भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब किया। 14 अक्टूबर भारत ने कनाडा से डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया। 14 अक्टूबर कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने के आदेश। खालिस्तान की आवाज या तो भारत में सुनाई देती है या फिर कनाडा में। जो खालिस्तान है वो असल मुद्दा है भारत का, लेकिन इसकी जंग लड़ी जा रही है कनाडा में। अभी भारत कनाडा के रिश्तों के बीच जो दुश्मनी हुई है उसकी भी इकलौती वजह है खालिस्तान। तो आखिर जिस खालिस्तान का भारतीय इतिहास में इतने खून खराबे से भरा पड़ा हो, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की हत्या हो चुकी है, उसकी ऐसी पैरवी कनाडा क्यों कर रहा है? जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ अपने रिश्ते इस कदर खराब कर लिए हैं कि उन्हें सुधारने में ट्रूडो के उत्तराधिकारियों को खासी मशक्कत करनी होगी। ट्रूडो शायद ये भूल गए हैं कि ये नए दौर का भारत है, पहले छेड़ता नहीं और बाद में छोड़ता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।